प्रिया अभी बस 3 साल की ही हुई थी। पापा मम्मी की लाडली और होशियार बेटी। बचपन से ही बहुत तेज थी। किसी भी चीज को अपनाने में उसे बिल्कुल वक्त नहीं लगता था, फिर वो खिलौना हो या किताब। पापा मम्मी भी बड़े शौक से उसे नई नई बातें बताते, नए विषय सिखाते, और प्रिया सब झट से सीख लेती। जैसे हर घर में होता है, जब भी कोई घर आए तो मम्मी प्रिया से कुछ सुनाने के लिए कहती और प्रिया बड़े शौक से उन्हें अपनी तोतली आवाज में आ आ ई ई सुनाती। तमाम देशों के नाम, उनकी राजधानियां, उनमें बहने वाली नदियां, उसे मुंह जबानी याद थे। सभी कहते, इतनी सी उम्र में कितना जानती है प्रिया। तो पापा हमेशा कहते, किसी नए विषय को लेकर, चीज को लेकर कभी उपयोग किए बिना, कोशिश किए बिना मना नहीं करती, और इसी स्वभाव की वजह से ज्यादातर चीजों से मन से जुड़ जाती है प्रिया। थोड़ी बड़ी होने पर प्रिया का दाखिला एक प्राइमरी स्कूल में हो गया। प्रिया बहुत खुश थी, स्कूल का अनुभव उसके लिए एकदम नया था। लेकिन जो कुछ पापा मम्मी से सुना था, उसने उसके मन में स्कूल के लिए आकर्षण पैदा कर दिया था। नया स्कूल, नए टीचर्स, नए दोस्त, इन सब को लेकर बहुत उत्साहित थी। प्रिया ने मन में पहले ही तय कर लिया था कि स्कूल का अनुभव बहुत अच्छा होने वाला है। जब स्कूल शुरू हुआ तो प्रिया स्कूल में रम गई। टीचर्स की चहेती, दोस्तों में मगन रहने वाली प्रिया स्कूल के साथ मन से जुड़ गई थी। कभी कभार अति उत्साह के चलते टीचर की डांट भी खानी पड़ती थी, लेकिन प्रिया गलती मानते हुए सुधार भी कर लेती थी। कुछ और साल बीते, आगे की पढ़ाई के लिए उसे दूसरे स्कूल में दाखिला लेना था। प्रिया को यह बात मालूम तो थी, लेकिन वो मन से तैयार नहीं थी। उसने ये बात किसी से नहीं की, लेकिन जब नए स्कूल में दाखिला हुआ तो वहां होने वाली हर बात को, चाहे वो टीचर्स से जुड़ी हो या स्कूल से, वो तोल मोल कर देखने लगी। स्कूल से जुड़ी किसी भी बात में प्रिया तर्क वितर्क ढूंढने लगी। इससे उसके मानसिक व्यक्तित्व पर असर हो रहा था। उसे स्कूल पसंद नहीं आ रहा था। एक बार पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पापा मम्मी को इस बात का संकेत दिया गया। पापा मम्मी ने सारी परिस्थिति को झट से भांप लिया। अगले दिन शाम को ऑफिस से आकर पापा प्रिया को लेकर बैठे और बोले, बेटा प्रिया, अब तुम बड़ी हो, तुम्हें यह बात जरूर समझ आएगी। देखो, कोई कार्य करने से पहले उसकी भक्ति करना बहुत जरूरी है। प्रिया ने चौंक कर पापा को देखा। पापा ने कहा, बेटा मैं समझता हूं तुमने क्या सोचा, लेकिन कुछ देर रुको, मेरी पूरी बात होने दो, उसके बाद तुम अपना विचार जरूर बताना। किसी भी नई चीज को, कार्य को, इंसान को अपनाने से पहले हम मन में चित्रित करते हैं कि वो कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, और जितना हम उस विचार के साथ रहते हैं उतना ही ज्यादा हम उस चित्र को अपनाने लगते हैं। और इसीलिए मैंने भक्ति शब्द का प्रयोग किया। और देखो, हो सकता है कि वास्तविकता में वो चीज, वो कार्य, वो इंसान तुम्हारे मन में बने चित्र से थोड़ा अलग हो, भिन्न हो। तब या तो तुम उस भिन्नता को अपना लोगी या उसे बदलने की कोशिश करोगी। दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। प्रिया को पापा के प्रवचन सुनने की आदत थी, और पापा भी प्रिया की प्रतिक्रिया को हंसी ठिठोली में ले लिया करते थे। पापा आज भी तैयार थे, लेकिन प्रिया कुछ भी नहीं बोली। पापा ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। आखिर पापा ने कही हुई बात बहुत गहरी थी, और उम्र से पापा की प्रिया अभी बहुत छोटी थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल इवेंट का आयोजन होने वाला था। सभी अभिभावकों को, पेरेंट्स को बुलाया गया था। बच्चों को सुबह से ही स्कूल में बुला लिया गया था। पापा मम्मी भी समय पर पहुंच गए। कुछ देर बाद स्टेज से पर्दा हटा, प्रिंसिपल मैडम और मुख्य अतिथि महोदय ने दीप प्रज्वलित किया, और इसी के साथ अनाउंसमेंट हुआ कि आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे प्रतीक कक्षा 10 और प्रिया कक्षा 8 से। यह सुनकर पापा मम्मी आश्चर्यचकित हो गए। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। कार्यक्रम के बाद प्रिया पापा मम्मी के पास आ गई। मम्मी ने उसे गले लगा लिया। पापा बस खुद को थामे खड़े रहे। कार्यक्रम के बाद सब घर पहुंचे और प्रिया बोली,
पापा, आप सही थे। मैंने शुरू से ही स्कूल के बारे में निगेटिव, नकारात्मक सोच बनाए रखी थी। उस दिन जब आपने मुझसे बात की, मुझे समझाया, या यूं कहूं कि मुझे रास्ता दिखाया, मैंने स्कूल के बारे में पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दिया। स्कूल को अपने थॉट्स में, विचारों में वेलकम किया, तो सब बस बदल गया। और पापा, आपका प्रवचन बहुत अच्छा होता है। पापा की आंखें भर आईं, बोले, प्रिया बड़ी हो गई। इतने में प्रिया बोली, पापा वैसे आप स्कूल में रोने वाले थे ना? और सब जोर से हंस दिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे, इसका भाव आपको अच्छा लगे, तो कमेंट करिए, ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक की हमें प्रतीक्षा रहेगी। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी को आशीष का नमस्कार।